नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2024 के 62 मैच के बारे में देंगे सटीक जानकारी, जो कि आरसीबी और दिल्ली कैपिटल के बीच 12 मई को यानी कि आज आरसीबी के होम ग्राउंड चन्ना स्वामी स्टेडियम पर 7:30 बजे खेला जाएगा। इस वीडियो में हम आपको पिच रिपोर्ट से लेकर कौन सी टीम मैच जीतेगी और क्या रहेगा मौसम का हाल के बारे में देंगे सटीक जानकारी। आपको बता देते हैं दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई पिछले मैचों की जानकारी 100% सही रही थी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की। दोनों ही टीमें अब तक 30 बार आपस में भिड़ चुकी है, इसमें से 18 बार आरसीबी ने बाजी मारी और 11 बार दिल्ली ने जीत दर्ज की और एक मैच बिना नतीजे रहा। वहीं दिल्ली अपने 12 में से 6 मैच जीत कर आ रही है, आरसीबी अपने 12 में से 5 मैच जीत कर आ रही है। वहीं बेंगलोर का चन्ना स्वामी स्टेडियम हाई वेन्यू स्टेडियम माना जाता है, जहां पर काफी बड़े बड़े स्कोर बनते हुए नजर आते हैं। इस मैदान की बात करें तो मैदान पर अब तक कुल 88 मैच खेले जा चुके हैं। वहीं 88 में से 37 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की है, बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 47 बार मैच जीते हैं। 4 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है। स्टेडियम की बात की जाए तो इस मैदान की बाउंड्री बहुत छोटी है, इसी वजह से इस मैदान पर काफी बड़े शोर देखने को मिलते हैं। आईपीएल के सबसे ज्यादा छक्के इसी मैदान पर लगते हैं। वहीं इस स्टेडियम की पिच की बात की जाए तो यहाँ की पिच बैटिंग पिच मानी जाती है, जो कि बल्लेबाजों को काफी ज्यादा मदद करती है। इस पिच पर पेस और बाउंस दोनों ही मौजूद है, जो कि बल्लेबाजों को बड़ा शॉट मारने में काफी मदद करते हैं। यही वजह है इस मैदान पर बड़े बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं। मैदान के पहली इनिंग का एवरेज स्कोर 180 का रहता है। चलिए नजर डाल लेते हैं दोनों ही टीमों के स्टार प्लेयरों की परफॉर्मेंस पर। तो पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली की तरफ से सबसे बढ़िया बल्लेबाजी जो कर रहे हैं फैजर मैकर, जिसने पिछले कई मैचों में बढ़िया बल्लेबाजी की है और उन्होंने पिछले मैच में भी 20 गेंदों पर 50 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के लगाए थे। और इसके अलावा दिल्ली की तरफ से ऋषभ पंत और स्टब्स भी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। आरसीबी की बल्लेबाजी की बात की जाए तो आरसीबी की बल्लेबाजी की कमान विराट कोहली ने संभाल रखी है और उनका साथ दे रहे हैं फाफ डु प्लेसी और रजत पाटीदार। पिछले मैच की बात करें तो पिछले मैच में भी कोहली ने 47 गेंदों पर 92 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 6 छक्के लगाए थे, टीम के लिए एक बड़ा स्कोर खड़ा किया था। वहीं मैच प्रेडिक्शन की बात करें तो इन दोनों ही टीमों की परफॉर्मेंस को देखते हुए आरसीबी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, यानी कि आरसीबी के जीतने के चांस ज्यादा हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन सी टीम मैच जीतेगी? इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मिल सके आईपीएल मैचों के बारे में सटीक जानकारी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।